परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 5, और इसमें हम कवर करेंगे 47 MCQ क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस होंगे आपके रेलवे सामान्य अध्ययन वॉल्यूम 2 की बुक में से। और आप भी इस वीडियो को रियल एग्ज़ाम की तरह अटेम्प्ट करें, अपना स्कोर फाइनल निकालें और चेक करें कि जीके में आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, जीएस में आपको किस सेक्शन में से कितनी मेहनत करने की और अधिक आवश्यकता है, या फिर हो सकता है कि जीएस में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो आज, तो आपको कहीं पर भी कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता जीएस सेक्शन में नहीं है। उस सब्जेक्ट में फिर आप टाइम दीजिए जिसमें आप कमज़ोर हो सकता है मैथ आपका वीक हो, तो उसमें टाइम दीजिएगा, राइट? तो बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, जावा। तो ए बी आपको ना तो खुद बोलना है ना मैं बोलूंगा। इस तरह से क्या होगा, आप जब रियल एग्जाम में बैठेंगे, आप ए बी सी डी पढ़ने की हैबिट जिस दिन आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपको टाइम बचेगा पहली बात तो एग्जाम में ये। और एग्जाम में जिसकी तैयारी अच्छी होती है तो उसको टाइम ही कम मिलता है एग्जाम में कि यार टाइम कम मिला था इसलिए हमारे काफी सारे क्वेश्चन छूट गए, हम अटैम्प्ट हम नहीं कर पाए। तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है आपका ग्रीन लैंड, सी। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आपका गोवा। अभी आप मैप ओपन कर लीजिए, देखिए गोवा कहाँ पड़ता है और उसकी शेप देखिएगा कि किस तरह से उसकी शेप अदर स्टेट के कंपेरिजन में बहुत छोटी होगी। तो मैप से भी आप टैली करेंगे तो आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। मैप से हाँ टाइम ज़्यादा लगता है पढ़ते समय, लेकिन जो तैयारी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। जो न्यू एस्पिरेंट है, नई तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट अभी, तो उनसे बोलूँगा कि एटलस परचेज कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड परचेज कर लीजिए, जब भी ज्योग्राफी पढ़िए पार्ट टेस्ट को उठा लीजिए, उसमें देखिए कौन सी जगह कहाँ पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? केरल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कश्मीर। पॉइंट नंबर 3, राइट आंसर है आपका डी, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रायद्वीप या भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, गोदावरी। पॉइंट नंबर 4 का राइट आंसर आपका डी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, डल झील, देवताल झील। तो 5 का राइट आंसर आपका वुलर झील। पॉइंट नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील। तो 6 का राइट आंसर है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो देखिए एग्जाम में कभी कभी आपको ऑप्शन दे सकता है जी बी पंत सागर झील, तो आपको वहां पर भी कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। तो उनका पूरा नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत। पॉइंट नंबर 7 है आपके सामने कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा, मेकोंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका नील। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत, आर्कटिक, एशिया, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर है इसका ए, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 9, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? वेनिस को, बहरीन को, लाओस को, या फिर बेल्जियम को। तो 9 का राइट आंसर है आपका लाओस को, मतलब सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, उमानंदा, न्यूमूर, या फिर चांदीपुर। तो 10 का राइट आंसर है आपका माजुली। क्वेश्चन नंबर 11 का है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? यूनान को, चीन को, ब्राजील को, मिस्र को। तो 11 का राइट आंसर है आपका डी, मिस्र को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, बिहार को, मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का राइट आंसर बनेगा आपका मध्य प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, सहारा, गोबी, अटाकामा। तो ये सभी क्या है? रेगिस्तान के नाम है। बात कर रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ना कि भारत का। वर्ल्ड में अगर बात करी जाए तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, सहारा का रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, आर्कटिक, एशिया, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है आपका बी, आर्कटिक। 15, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो 15 का राइट आंसर है आपका सी, गुजरात। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका आगरा, सिकंदरा, मथुरा या फिर फतेहपुर सीकरी। तो 16 का राइट आंसर है आपका डी, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। 17, 17 का राइट आंसर है आपका बी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे छोटी सॉरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलीगिरी, केटू। 18, 18 का राइट आंसर आपका डी, केटू। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांगड़ा नागल, हीराकुंड, नागार्जुन, मेटूर। 19, 19 का राइट आंसर है आपका हीराकुंड। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, चीन का सोक किस नदी को कहा जाता है? सीन नदी, यांगसी नदी, हुआंगो नदी या फिर मूसी नदी। 20, 20 का राइट आंसर है आपका सी, हवांगो नदी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ, वाराणसी, कोयम्बटूर, अहमदाबाद। 21, 21 का राइट आंसर है, ये है आपका डी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, अरब प्रायद्वीप। 22, 22 का राइट आंसर है आपका डी, अरब प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? गोबी, थार, तकलकामा या फिर अटकामा। 23, 23 का राइट आंसर होगा आपका ए, गोबी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वह है कावेरी, गोदावरी, सुंदरवन, सिंधु डेल्टा। 24 का राइट आंसर है आपका सी, सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन, बैकाल, सुपीरियर या फिर टिटिकाका। 25, 25 का राइट आंसर है आपका ए, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है 26 कि भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। 26 राइट आंसर डी, मुंबई। देखिए इसी स्पीड से आपको क्वेश्चंस रीड करना है जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको शायद अटेम्प्ट करने का टाइम बहुत कम मिल रहा होगा। देखिए जीएस में आपको स्पीड से पढ़ना है, स्पीड से समझना है और अपना राइट आंसर देना है, क्योंकि जीएस में जो आता है सो आता है टिक लगाओ आगे बढ़ो, टिक लगाओ आगे बढ़ो, टिक लगाओ आगे बढ़ो, ये फंडा अपनाओ। जो क्वेश्चन रुक जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा लगता है कि डाउट है, उस पर आप एक सर्कल बना लीजिए अपने ऑफलाइन एग्जाम में, अगर पेपर मिलता है, या फिर ऑनलाइन एग्जाम में तो उसको टैग कर लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम में उसको टैग कर लीजिए, फ्लैग लगा दीजिए उस पर, बाद में जब टाइम बचे उसको तब देखना। तो जीएस में थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, जीएस में थोड़ा सा स्पीड से काम करा करो अपना, पढ़ते समय भी और राइट आंसर में लगाते समय भी। गॉट इट? 27 है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, ऑल्पस। 27, 27 का राइट आंसर है आपका सी, एंडीज। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, आल्पस, एंडीज, हिमालय। 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सोन नहर, गंगा नहर, पेरियार नहर, इंदिरा गांधी नहर। 29, 29 का राइट आंसर है आपका डी, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमा नंदा किस नदी पर स्थित है? गंगा, नर्मदा, सोन, ब्रह्मपुत्र। 30, 30 का राइट आंसर है आपका डी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा, सोन, गंडक, यमुना। 31, 31 का राइट आंसर है आपका डी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर। 32, 32 का राइट आंसर है आपका पेरिस, भारत का पेरिस जो कहा जाता है वो कहा जाता है
जयपुर को। अगला क्वेश्चन, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाब, अल, मदब, ओसाका को, ऑस्ट्रेलिया को, चीन को। 33, 33 का सही जवाब है आपका वा बाब अल मदब। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है कहाँ पर? कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर है 34 का। कॉमन सी बात है, बड़ा ही इजी क्वेश्चंस भी है, यह है आपका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा? थार, गोबी, सहारा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 35 का राइट आंसर है आपका थार। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज है तो वो कहाँ पर है? हैदराबाद, सिकंदराबाद, बीजापुर, दिल्ली। तो आपका जो ये 36 है क्वेश्चन, 36 का राइट आंसर होगा आपका सी, बीजापुर में। अगला क्वेश्चन 37 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? आपने अभी देखा था एशिया का सब, ये आपका कुछ गोवा आया था इस वीडियो में। चलिए छोड़िए, यहाँ बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, श्रीलंका, माले, मालदीव। 37 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 2 की, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का पूछेगा, तो वो है आपका गोवा। और बात करते हैं 37 के, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है आपका वेटिकन सिटी। तो दोनों ही चीज़ों को, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 37 को आपने याद रखना है और कंफ्यूज भी नहीं होना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं? इंग्लैंड को, जापान को, हॉलैंड को, नॉर्वे को। 38, 38 का राइट आंसर है आपका डी, नॉर्वे को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, फिनलैंड को, ब्रिटेन को, जापान को। 39 राइट आंसर बी, फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 40, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। 40, 40 का राइट आंसर है आपका सी, जापान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। 41 राइट आंसर आपका ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे ऊंचा बांध है? हीराकुंड, भांगड़ा, टियरी, नागार्जुन। 42 राइट आंसर सी, टियरी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका? जावा, सुमात्रा, एंडीज, इंडोनेशिया। 43, 43 का राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह, लद्दाख, चेरापूंजी, मासिन राम। 44 राइट आंसर है आपका डी, मासिन राम। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह, सिक्किम, चेरापूंजी, मासिन राम। 45 राइट आंसर है आपका ए, ले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। 46 राइट आंसर है आपका यूपी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। 47 राइट आंसर है इसका आपका ए। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमारे 47 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं, और आप देखिए कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर कमेंट बॉक्स आपको इनेबल मिलता है तो आप अपना कमेंट मुझको भेज सकते हैं। अगर आपका स्कोर सही है तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता जीएस में अब नहीं है। अगर स्कोर कम है तो आपको आवश्यकता है लूसेंट नीली वाली बुक को पढ़ने की। सेल्फ स्टडी करना चाहें उस बुक की, सेल्फ स्टडी करिए, अदरवाइज उस बुक के कंप्लीट वीडियो, जी हाँ वीडियो, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वो बुक कंप्लीट हो चुकी है, उस बुक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके उस बुक के वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड तक मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द